समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया। माना यह जा रहा है कि राज्य के ब्राह्मण समुदाय के वोटरों को साधने के मकसद से ये अखिलेश यादव ने दांव चला है, जिसके लिए उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए गए परशुराम के मंदिर में पूजा की और मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने मंत्रोच्चार के बीच अखिलेश यादव की पूजा करवाई। इसके बाद अखिलेश यादव ने वहां एक जनसभा की, जिसमें उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। ये बाबा मुख्यमंत्री कहते 5 लाख नौकरी दी, इनके जो विज्ञापन है वो कह रहे 2 करोड़ रोजगार दिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस हमले का जवाब राज्य के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दिया। बीजेपी वादे भूलती नहीं, बल्कि जो वादे नहीं भी करती है उनको पूरा करने का काम करती है। एक दिन पहले अखिलेश ने महंगाई के मुद्दे पर रैली कर मौजूदा सरकार को घेरा था। 100 बात की एक बात ये कि जब प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, तब वो अपने भाषण में भगवान परशुराम का जिक्र करना नहीं भूले थे। और अब अखिलेश यादव ने भी इसी एक्सप्रेसवे के किनारे बने मंदिर में परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया। माना यह जा रहा है कि ब्राह्मण समुदाय के वोटर्स को अपने पाले में लाने के मकसद से समाजवादी पार्टी ने यह दांव चला।